स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां गंदा पानी गलियों में दुकानों में प्रवेश कर रहा था, आज वही गंदा पानी नलों के माध्यम में घर की रसोई तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं वाटर सप्लाई लाइन में दिक्कत होने के कारण से, कहीं टूट फूट होने के कारण से वो गंदा पानी रिसाव करके उनमें प्रवेश कर गया और आज जो है घरों में प्रवेश कर गया, जिससे काफ़ी लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। पानी की जो टंकियों में भी ये पानी पहुंचा और जिससे अब काफ़ी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। पानी की टंकियों को पुनः साफ करना पड़ेगा। खैर, समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया और इस दिक्कत को काबू में पा लिया, इस समस्या को, और अब पानी साफ आ रहा है। लेकिन ये ऐसा बार बार ना हो, इस ओर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ से ये नदी का पानी या नाले का पानी टूंटियों में प्रवेश कर गया, नल बड़े पाइप में, वो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये दिक्कत आगे ना आए और इस प्रकार से नदी का नालों का पानी घरों में प्रवेश ना कर पाए। इस ओर प्रशासन को अब विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बरसाती मौसम है, लगातार पानी आने से अगर ये पानी पिया जाए तो काफ़ी बीमारियों का जो है जन्म इस पानी के कारण से हो सकता है। विशेषकर बच्चों को ये पानी काफ़ी नुकसानप्रद होता है। तो समय रहते प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, आगे ऐसे इस प्रकार से ये गंदा पानी घरों में प्रवेश न करें, इसका एक स्थायी उपाय कर देना चाहिए। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।